इंदौर के एक व्यापारी तथा मालवा मिल अनाज मंडी संघ के अध्यक्ष कैलाश जैन के बेटे पर एक गंभीर आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार यह बताया गया कि फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही 22 वर्षीय मॉडल द्वारा अनाज कारोबारी पर रबड़ी में नशीली दवाई खिलाकर दुष्कर्म करने का गंभीर मामला सामने आया है। मॉडल का यह कहना है कि फेसबुक पर उसकी दोस्ती हुई थी और उसके बाद व्यापारी के बेटे ने उसे गोवा घुमाने का ऑफर भी दिया और इसके बाद एक होटल में उसने रबड़ी में नशीली दवाई मिलाई और उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बना लिया। उसके बाद वीडियो दिखाकर वो लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इसी बीच उसने खजराना मंदिर में ले जाकर उससे शादी भी कर, लेकिन बाद में यह पता चला कि वह तो शादीशुदा है और उसका 17 साल का एक बेटा भी है। कुल मिलाकर इसके बाद मॉडल द्वारा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई और पुलिस ने व्यापारी के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। बेटे का नाम जितेंद्र उर्फ मोंटी बताया जाता है। कुल मिलाकर मॉडल के साथ ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म का एक ऐसा मामला सामने आया है जो बेहद चौंकाने वाला है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।